तो भैया आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे कीड़े की जिसको नेपोटिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो जो हकदार होगा। हकदार जो होगा, जिसमें टैलेंट होगा, वो आगे तक राजा की गद्दी पे बैठा रहेगा, जिसमें नहीं होगा उसको प्रजा हटा देगी। कुल मिला के बात ओके, तो दोस्तों हम लोग आज इसी नेपोटिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है राहुल चौधरी और मेरा नाम है दोस्तों रणविजय, और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल फिल्मी नजरिया। तो भाई नेपोटिज्म को जितना उछाला गया है बॉलीवुड में नेगेटिव तरीके से, नेपोटिज्म के बारे में आपका एग्जैक्टली क्या ख्याल है? नेपोटिज्म अच्छी चीज है या बुरी चीज है, क्या है? अभी बॉलीवुड के पर्सपेक्टिव से मत देखो, वैसे बताओ। देखो जैसे अभी आपने मेरे को बताया, तो उस हिसाब से तो नेपोटिज्म जो वर्ड एक्चुअली इट्स वेरी क्रीपी, पता नहीं ये वर्ड्स निकाला किसने एक्चुअली, तो ये मेरे को सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो आज हम जो है इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि नेपोटिज्म अगर बॉलीवुड में है, मतलब वो हर जगह बॉलीवुड में, साउथ इंडस्ट्री में, बाकी इंडस्ट्रीज में भी हर जगह, उसके बावजूद कई ऐसे जो बाहर से आए हुए लोग हैं जिन्होंने अपने टैलेंट और एक्टिंग के दम पे, एक्टर आर्टिस्ट जो भी हैं, डायरेक्टर हो चाहे एक्टर हो या सिंगर हो, जो भी हैं, तो वो सब बॉलीवुड में आए, उन्होंने अपना जो टैलेंट है वो दिखाया है, और उसके दम पे उन्होंने अपना नाम कमाया और आज भी इंडस्ट्री में बने हुए हैं। एग्जैक्टली तो मेरे जहन में एकदम नाम आ रहा है जिनको आई थिंक इस वर्ड शब्द से नेपोटिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई थिंक मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी, हाँ बिल्कुल, मनोज वाजपेयी जिस तरीके से बहुत ही छोटी जगह से आते हैं और छोटी जगह से आने के बाद उन्होंने एनएसडी में एडमिशन लेके बकायदा एक्टिंग, एनएसडी में एक्चुअली उनको नहीं मिला था एडमिशन, उन्होंने ट्राई किया, एनएसडी से वो रिजेक्ट हो गए, उन्होंने फिर बैरी जोन्स का जो है स्कूल ज्वाइन किया, वहां से वो निकले हुए हैं। इसी तरह से मनोज वाजपेयी के साथ ही के अलावा इरफान खान जो है आउटसाइडर हैं, जिन्होंने मेरे तो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स रह चुके हैं, नवाज भाई है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी एक्चुअली, हाँ बिल्कुल, जिनको मेरे ख्याल से नेपोटिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को लगता है जैसे नेपोटिज्म जो चलता है ना, जैसे कि बड़े बड़े इंडस्ट्री जैसे यश चोपड़ा हो गया या करण जौहर हो गया, या नेपोटिज्म से देखो ऐसा हो सकता है कि आपको फर्स्ट ब्रेक मिल जाए, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड बार भी आपको रिलॉन्च किया जा सके, बट अगर आप में टैलेंट नहीं है, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, तो आप चाहे कितने ही बड़े स्टार किड हो, आप में टैलेंट नहीं है, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, तो नहीं चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे स्टार किड है जो नेपोटिज्म के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऋतिक रोशन है, एग्जैक्टली, रणबीर कपूर है बहुत ज्यादा टैलेंटेड, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, अजय देवगन, संजय दत्त, सनी देओल, बॉबी देओल, ये सब वो लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड भी हैं, उन्होंने स्टारडम भी कमाया है और लोगों ने इनको पसंद भी किया, बहुत प्यार भी किया एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, अगर इनमें टैलेंट नहीं होता, रणबीर कपूर में टैलेंट नहीं होता, उसे एक्टिंग नहीं आती, तो दो तीन फिल्मों के बाद शायद लोग देखना ही बंद कर। बिल्कुल, बेसिकली ये देखो क्या होता है ना, भेड़ चाल होती है एक तरीके की, लोग एक वर्ड को सुन लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और उसी के पीछे लग जाते हैं कि यार ये चीज चल रही है, इसी के बीच चलते रहो और ऐसे ही बोलते रहो, तो लोगों को ज्यादा समझ में आता है, बल्कि लोग ये थॉट सुनना और समझना नहीं चाहते कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है पूरा प्रॉपर। इसकी सिर्फ स्टार किड होने से सिर्फ आपकी एंट्री इजी हो जाती है इंडस्ट्री में बस, और जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए एंट्री लेना मुश्किल होता है, बट एक बार अगर उनमें टैलेंट है तो ऐसा नहीं है कि वो भी, सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है हमारे सामने है शाहरुख खान और अक्षय कुमार, जो कि सुपरस्टार हैं, आउटसाइडर्स थे जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पे इंडस्ट्री के अंदर वो 20-20, 30-30 साल से बैठे हुए हैं यार आके। बिल्कुल, और आज भी लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत बड़े उनका जो फैन बेस है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब जैसे कि नए नए लोग हैं जो आ रहे हैं, जैसे राजकुमार राव हो गया, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, कंगना रनौत, एग्जैक्टली, ऐसे से बहुत सारे, जैसे पंकज त्रिपाठी हो गए, इज ए फैबुलस एक्टर, इतना ठहराव है उनकी एक्टिंग के अंदर, तो जिस हिसाब से वो एक्टिंग, जिस हिसाब से वो रोल्स चूज करते हैं यार, वो पंकज त्रिपाठी की सबसे पहली मूवी कौन सी थी यार? पंकज त्रिपाठी की फर्स्ट मूवी थी, फर्स्ट टाइम जो स्क्रीन पर नजर आया था पंकज त्रिपाठी, आई थिंक गैंग्स ऑफ वासेपुर, नहीं और याद कर, रन के भैया ये कौवा बिरयानी कहाँ मिलती है, कौवा बिरयानी जो उनके साथ क्रॉस करके निकलता है, आई थिंक वही था, उसमें एक सीन था पंकज त्रिपाठी का जिसमें बोलते कि भैया खाओगे कौवा बिरयानी, तो ऐसे कुछ था कि कुछ कौवा बिरयानी के ऊपर वो जो बहुत फेमस सीन है विजयराज का, अरे यार
मतलब विजय राज यार अल्टीमेट एक्टर, मतलब इतना बढ़िया, उनसे चाहे सीरियस रोल करा लो और कॉमेडी उन्होंने रन के अंदर, मतलब वो रन पिक्चर जो है मैं सिर्फ उनकी वजह से देखता हूँ आज भी। अगर वो रन मूवी ऐसी है अगर किसी को याद है तो विजय राज की वजह से याद है, कौवा बिरयानी वाले से, कौवा बिरयानी। मेरे को तो एक्चुअली याद भी नहीं आता कि वो पिक्चर एक्चुअली अभिषेक बच्चन की है, उसमें हीरो हीरोइन। मूवी अच्छी थी वैसे, वो अच्छी मूवी थी। खैर एनीवेज की हम बात कर रहे थे कि नेपोटिज्म होने के बावजूद भी जो है जिनमें टैलेंट है जिन लोगों में वो चल रहे हैं, वो उनको लोग पसंद कर रहे हैं, और अक्षय कुमार और शाहरुख खान जैसे एग्जांपल्स भी हैं हमारे सामने जो कि स्टार सुपरस्टार बने हैं। बिल्कुल, अरे बाहर से आए हुए बहुत सारे लोग जैसे कार्तिक आर्यन हो गया, विद्युत जामवाल हो गया, विद्युत जामवाल जो है एक्शन हीरो, एक्शन हीरो यार, मतलब बहुत अच्छे हैं और बहुत कम होते हैं, मैं तो कहता हूँ बल्कि इन लोगों को चांस मिलना चाहिए करने के लिए। विद्युत जामवाल ने एक्टिंग भी दिखा दिया भाई। अरे हाँ बिल्कुल, मतलब जिन लोगों को लगता था कि भैया सिर्फ विद्युत जामवाल जो है उछल कूद कर सकता है, लोग बोलते थे कि बंदरों की तरह उछलता है, बट लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती। अभी मतलब जो एक्शन हीरो बोला जाता है उसके अंदर अगर वो एक्टिंग भी दिखा रहे हैं और एक्शन भी कर रहे हैं तो यार इज अ कंप्लीट एक्टर यार, और क्या चाहिए आपको। यही कॉम्बिनेशन के साथ अक्षय कुमार आए थे, उसने एक्शन फिल्में चलती थी, तो वो स्टार बन गए, एक्शन फिल्मों का कम हुआ, उन्होंने अपना जॉनर जो है हर 5 साल में 10 साल में चेंज करते गए, कॉमेडी एक्शन लव स्टोरी सब कुछ करने के बाद आज वो स्टार हैं, आउटसाइडर्स थे। एग्जांपल्स है हमारे पास उदय चोपड़ा, तुषार कपूर और ऐसे बहुत, कुमार गौरव आई मीन ही वाज नॉट अ बैड एक्टर, बट उसके बाद उनका कुछ ऐसा हुआ नहीं फर्स्ट मूवी के बाद। जाहिद खान उनके फादर संजय खान इतने बड़े एक्टर थे, फरदीन खान उनके पिताजी फिरोज खान इतने बड़े एक्टर थे, बट सिर्फ मैं फिरोज खान का बेटा हूँ या मैं संजय खान का बेटा हूँ उससे काम नहीं चलता, इनको एंट्री तो मिल गई, एंट्री मिल जाती है नामों की वजह से, बट इन दी एंड उनको तो एक्टिंग करके दिखानी थी। जो अब इसमें शायद आपको एक चीज याद ना हो तो मैं बता दूं आपको, रणबीर कपूर की फर्स्ट मूवी सावरिया, इट्स अ फ्लॉप पिक्चर थी वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसके अंदर टैलेंट नहीं था, ही इज अ वेरी टैलेंटेड मैन। तो जो फर्स्ट मूवी फ्लॉप होने के बाद भी यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे हैं, जैसे कि तुषार कपूर थे उनकी फर्स्ट मूवी जो थी वो बहुत ह्यूज हिट थी आई थिंक मुझे कुछ कहना है, बट उसके बाद उनकी जो मूवी थी मतलब वो तो सिर्फ आपको ये लगा लो कि फर्स्ट मूवी है, लोगों ने देख लिया कि भाई जितेंद्र का बेटा है तो देखेंगे आपको वो फर्स्ट मूवी। आई थिंक तुषार कपूर की जो चॉइसेस ऑफ मूवीज थी वो भी थोड़ी ठीक नहीं रही, तो बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई होंगी वहां पे। तो वही है कहने का मतलब, जो लास्ट में जो सारी बातों का जो निचोड़ है वो यही है कि टैलेंट है तो आप चलोगे और टैलेंट नहीं है तो आप चाहे कितने ही बड़े नाम के साथ आओ उसका कोई फायदा नहीं है। तो अब जो वर्ड जो है ये नेपोटिज्म जो है ये चाहे छोटा लिख लो चाहे बड़ा लिख लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आप टैलेंटेड हो तो चलोगे, अगर नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता आपका, आपको मिलने में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा नेपोटिज्म वर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो नेपोटिज्म पे, हमारे विचार जिसको ऑलरेडी पूरी दुनिया बोल चुकी है, तो हमने सोचा हम क्यों पीछे रहे, हम भी बोल लेते हैं, हम भी दे देते हैं, आप चाहे लो या ना लो, ये लो जो कर सकते हैं कीजिए, हमारे जो कर सकते हैं बिल्कुल, जो सब्सक्राइब करते हो आपको बहुत दिन हो गए बोलते बोलते, अच्छा लग रहा है तो कर लो, नहीं अच्छा लग रहा है तब भी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे करके मानेंगे, ऐसे करके मानेंगे हम, जैसे भी आप बोलेंगे वैसे मना लेंगे आपको, बट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए प्लीज। चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय।